के इंसान की जो इम्यूनिटी है किसी भी बीमारी से लड़ने की जो शक्ति है वो उसको उसकी डाइट से मिलती है। अगर डाइट अच्छी है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी बनेगी। और ऐसा नहीं है कि इम्यूनिटी एकदम से बन जाती है, ये टाइम लेती है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप पैदा होते हैं। जी, मैम पहला कॉल ले लेते हैं आई गेस ताकि पूरे तरीके से पता चल सके। हेलो, हेलो, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी है। हाँ जी, बात कर रहे हैं आप, बताइए। हम सुन रहे हैं आपको, बताइए। हम सुन रहे हैं आपको, आप बताइए। हम सुन सकते हैं, आप बताइए अपनी प्रॉब्लम बताइए। आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? जी जी बताइए। हाँ जी सर, ये मैंने क्या कह रहा हूँ, मैंने ये पूछा था कि ये जो वैक्सीनेशन चल रही है, जी जी, तो बड़ा गैप लगा है कि पहले मैंने लगवाई है 25 अप्रैल को, ठीक है, तो दूसरा जो है वो उन्होंने 45 दिन के बाद कहा है दूसरी डोज। जी जी, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। लेकिन जब ये स्टार्ट हुआ था डॉक्टर साहब, कहते थे कि 28 दिन के बाद दूसरा डोज लगना है। नहीं देखिए, तब हमारे पास जो स्टडीज थी वो हमें यही बता रही थी कि हम 4 हफ्ते का गैप रखेंगे ही रखेंगे। लेकिन जब हमें डिटेल्स और स्टडी की दूसरी वैक्सीन भी आई हमारे पास, तो जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो 45 ईयर्स के अबव लोगों को लग रही है, उसमें हम 6 से 8 हफ्ते का गैप दे सकते हैं। तो उन्होंने जो आपको टाइम दिया है वो बिल्कुल सही दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब। अच्छा ये मुझे बताए, जिसको थायराइड डोज कहते हैं कि मैंने आम लोगों से सुना, किसी डॉक्टर शॉक्टर से नहीं सुना, जी कहते हैं जी उसको ये कोरोना जो है एकदम पकड़ लेता है, क्या सही बात है? जिनको थायराइड होता है उन्हें कोरोना जल्दी पकड़ लेता है, ऐसा है? देखिए, अगर कोई भी बीमारी आपको लंबे टाइम से है तो आपकी एक बॉडी इम्यूनिटी जो है बीमारी से किसी भी लड़ने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। तो अगर शुगर है या बीपी की प्रॉब्लम है उसमें तो आपको लगवाना ही चाहिए, लेकिन ऐसा है कि थायराइड में नहीं लगवाना, ये बिल्कुल गलत सुना है आपने। नहीं, आपने बहुत अच्छा कहा, आपने बहुत अच्छा किया जो आपने लगवाई है, लेकिन मैंने तो लगवाई है, लेकिन मैं ये जनरली पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे मेरे किसी दोस्त को कोरोना हुआ है, वो अस्पताल में एडमिट है। जी जी, तो मैं उसको खबर लेने के लिए 2 दफा मैंने उसको फोन किया, उसे कहा यार आपको थायराइड है तो इधर नहीं आना, इधर इन्फेक्शन बहुत है। नहीं वो तो ठीक है, देखिए अगर आप किसी भी पेशेंट से, कोविड पेशेंट से मिलने जाएंगे तो एक्सपोजर का खतरा रहता है, बीमारी होने का रिस्क होता ही होता है। अच्छा, तो आपको करना यही है कि अगर आपका कोई अपना बीमार है तो और हॉस्पिटल में है तो आप टेलीफोन सर्विसेज के थ्रू उनका हालचाल पूछिए, हॉस्पिटल मत जाइए। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू जी। ओके, थैंक यू सर। तो बिल्कुल जहाँ हम डाइट की बात कर रहे थे, तो मैम जी बताइए किस तरीके से, क्या डाइट का, एक हेल्दी डाइट का रोल जो है वो बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है, इवन सून आफ्टर बर्थ। अगर एक मदर चाइल्ड डिलीवर कर रही है तो हम ब्रेस्ट फीडिंग पे इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को सून आफ्टर बर्थ ही चाहिए होती हैं उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड एज ही और शी ग्रोज अप तो उसकी जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो वीन ऑफ होके हम डाइट पे आते हैं। तो हेल्दी डाइट, जंक फूड नहीं लेना चाहिए जैसे आज के यंगस्टर्स कर रहे हैं, हेल्दी डाइट लें। कोरोना पेशेंट्स स्पेशली प्रोटीन रिच डाइट लें। जैसे कोरोना में वन ऑफ द सिम्टम्स है कि एपेटाइट कम हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो बल्क में खाएं वो सही है। नो, इट्स नेवर रिकमेंडेड कि आप बल्क में खाएं और फिर आप 6 घंटे का गैप लें। आप थोड़ा थोड़ा खाएं, एक रेगुलर 2 आवर्स के बाद खाएं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू कि आप अनहेल्दी ऑयली फूड खा के अपने आप को सेटिस्फाई करके बैठ जाएं। दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप फ्रूट्स ले सकते हैं, पल्सेस लीजिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स लीजिए, चिकन लीजिए, फिश लीजिए, बट बैलेंस डाइट लीजिए जिसमें सब कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, विटामिन हों, मिनरल्स हों, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल, वही हाइड्रेशन की बात करते हैं कि हाइड्रेट रहनी चाहिए बॉडी। ये तो हम कह रहे हैं कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें रिस्ट्रिक्टेड होता है कि पानी की एक लिमिट तक पीना होता है, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, वाटर इनटेक जो है हम अभी भी रिकमेंड कर रहे हैं कि 3-4 लीटर्स पर डे हमारा ये वाटर इनटेक होना चाहिए। बट जैसे कुछ पेशेंट्स हैं जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो मरीज हैं उनके लिए, यस जी जी। हेलो हेलो जी जी मैम बोलिए। आप मुझे बताइए, हमें छोटी बच्ची है जी, उनको हम वैक्सीन लगा सकते हैं?
क्या उम्र बताई आपने? 18, 19. जी जी लगा सकते हैं, प्रॉब्लम तो मत आएगी। नहीं नहीं, आगे बोलते हैं कि ये बच्चों को नहीं लगाओ वैक्सीन। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वैसे भी ये जो कोरोना इस टाइम जो कोरोना की इन्फेक्शन है वो छोटे बच्चों को भी इन्वॉल्व कर रही है, टीनएजर्स हमारे पास केसेस बहुत सारे आ रहे हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है और प्लीज़ उसको वैक्सीन लगवाइए। वेलकम। बिल्कुल मैम, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे हाइड्रेशन की, तो आप बता रहे थे जी जी। देखिए मैं पहले भी कहा कि 3-4 liters ऑफ वाटर इंटेक हम वैसे भी कह रहे हैं, अब क्योंकि समर्स है तो वैसे भी अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो स्वेटिंग में वैसे भी आपको वाटर लॉस हो रहा है। और लेकिन जो कुछ पेशेंट्स हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स हैं या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स हैं, इनमें वाटर इनटेक इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो भी ये पर्टिकुलर पेशेंट्स हैं इनको अपने कंसर्न डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए कि कितना वाटर इनटेक रखें, वो थोड़ी सी एक्सेप्शन है, अदरवाइज़ वाटर इनटेक इज़ 3-4 liters इज़ रिकमेंडेड। और डाइट तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कि आजकल मोस्टली क्या है कि जहाँ पे लॉकडाउन का इससे लगा गया है कि केसेस कम हो, लेकिन मोस्टली लोग जो है जंक फूड खाते हुए दिख रहे हैं या उसका सेवन ज़्यादा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हेल्दी फूड, तो उसमें भी एक हम कह सकते हैं कि आप हेल्दी रहेंगे तो तभी आप इससे लड़ पाएंगे। देखिए मार्केट लॉकडाउन रिलैक्सेशन आज जो भी है उसमें जंक फूड भी अवेलेबल है एंड नेचुरल फूड आइटम्स भी, तो ये हमारे कुछ जैसे हम कह रहे हैं कि CAB, हम बार बार कह रहे हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये हमें अगर हम खुद में चेंजेस नहीं लाएंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हेलो जी सर बोलिए। हेलो हाँ जी सर बोलिए। हेलो हाँ जी सर बोलिए, सुन रहे हैं आपका, सवाल क्या है सर? सर दोबारा से मिलाइए। तो बिल्कुल ये बहुत ही ज़रूरी है। वही बात करते हैं अगर वुमेंस की, जो अभी न्यूली बॉर्न बेबीज इनके घर में पैदा हुए होंगे, उनके मन में भी सवाल होंगे कि अगर किसी वुमेन को कोरोना हो जाता है तो उससे किस तरीके से, क्या उससे अपने जो बेबी को है वो फीड करवा सकती है या नहीं करवा सकती है? देखिए एक कोविड पॉजिटिव मदर जब एक बेबी को डिलीवर करती है तो चांसेस तो रहते हैं कि न्यूली बॉर्न बेबी भी इन्फेक्ट हो सकता है, लेकिन आपका क्वेश्चन क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग को लेके है तो देख मुझे लगता है हम सवाल ले लेते ताकि जी से बच जाए। हेलो जी बोलिए। हां ये मुझे बोलो, मैं से बोल रहा हूं। जी जी बोलिए। मैं बोल देना चाहता हूं कि ये बिल्कुल सही है। देखिए अगर हम अभी की ही बात करें, अभी हम सेकंड वेव में हैं, तो अभी भी हमारे अभी हम सेकंड वेव में हैं तो अभी भी हमारे पास टीनेजर्स आना स्टार्ट हो गए हैं इस बीमारी को लेके, और ये जो हमारे जो अनुमान है मेडिकल स्टडीज का कि तीसरी वेव आएगी, आ सकती है, और उसमें ज्यादातर पेशेंट्स बच्चे ही होंगे। जी जी ये देखिए कुछ कह नहीं सकते, हमने तो सोचा ही नहीं था कि सेकेंड वेव आएगी, लेकिन आ गई है और हमें इसके लिए प्रिपेयर्ड अब खुद को करना पड़ रहा है, प्रिकॉशंस लेने पड़ रहे हैं। वैक्सीन सबसे अच्छी बात है, हमारे पास इस टाइम वैक्सीन अवेलेबल है, तो फर्स्ट वेव में हमारे पास नहीं थी बट अब है। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको देखिए मैंने पहले भी कहा कि हमारे पास इस टाइम सेकेंड वेव में कोरोना से लड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है वैक्सीन, और ये 18-18 साल से ऊपर के लोगों के लिए रिकमेंड की गई है, तो उनको लगवानी चाहिए। अगर आप ऐसी कोई बात सुन रहे हैं कि नहीं लगवानी है तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है तो हमें कब लगाना है? आपको देखिए आप एक ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और अपना वहाँ पे एक फोटो आईडी प्रूफ, अपना वहाँ पे आईडी नंबर डालिए, खुद को रजिस्टर कीजिए। ठीक है, और जब भी आपको आपका टाइम दिया जाएगा, स्लॉट बुक करना है आपको, आप उस टाइम पे जाके अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। थैंक यू। तो बिल्कुल जहाँ मैंने आपसे सवाल पूछा था कि क्या उस मदर को जिसका अभी न्यूली बॉर्न बेबी है या 2-3 मंथ्स का या 2 मंथ्स का ही कह सकते हैं,
उसे डायरेक्ट जो फीडिंग है वो करवानी चाहिए अपने बच्चे को या नहीं करवानी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि अगर मदर कोविड पॉजिटिव है तो बच्चे को होने के बहुत चांसेस है, क्योंकि एक न्यूली बॉर्न बेबी को आप मदर से दूर नहीं रख सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जितना हो सके हमें वो नेसेसरी प्रिकॉशंस लेने ही हैं। एंड रही बात ब्रेस्ट फीडिंग की, तो मदर जो है चाइल्ड को डायरेक्ट ब्रेस्ट फीड नहीं कर सकती। ये जो एक्सप्रेस्ड मिल्क है वो कोई अटेंडेंट बीच में आके बेबी को थ्रू बॉटल वो देगा। यस, तो वही एक और सवाल रहेगा मेरा मैम कि जिस तरीके से आपने ये तो बता दिया, लेकिन अगर छोटी उम्र के बच्चों को, देखिए लहर का हम पहले सवाल ले लेते हैं। हेलो, जी 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 सर, सुन पा रहे हैं आप, अपना सवाल बोलिए। हेलो, हाँ जी हाँ जी, जी कब लिया आपने ये पहला डोज? 8 मई को पहला डोज लिया था मैंने, 7 अप्रैल को। दूसरा डोज लिया मैंने 8 मई को। ठीक है, देखिए मुझे लगता है आपकी उम्र बताइए सर आप अपनी। देखिए हो सकता है आपको थोड़ी डेट्स में कंफ्यूजन है, क्योंकि एज पर योर एज आपको कोविशील्ड लगी होगी जो 4 हफ्ते के गैप में नहीं लग सकती है, और क्योंकि कंप्यूटर ही आपका सिस्टम जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और अब आपको अब आपको क्या तकलीफ आ रही है सेकेंड डोज के बाद? आपको क्या तकलीफ आ रही है? आपको सर भारी रह रहा है? सर भारी, ठीक है, देखिए इनका कहना है कि जैसे सिम्टम्स की बात करते हैं हम कि हर एक की बॉडी जो है वो सेम नहीं है, तो उसको लेकर इनका भी ये सवाल है कि जैसे फीवर आ जाता है या सर बारी होता है, तो ये लक्षण जो हम कह सकते हैं इससे डरने वाली कोई बात नहीं? देखिए हर वैक्सीन के छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स रहते हैं, और अगर हमें एक वैक्सीन से कोरोना से प्रिवेंशन का एक पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल रहा है, परमानेंट सोल्यूशन मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता हमें इन छोटे साइड इफेक्ट्स को देख के वैक्सीन नहीं लगवाने का माइंड बनाना चाहिए। क्योंकि पेशेंट की 75 थी, हो सकता है कुछ आई साइट की प्रॉब्लम हो, कुछ बीपी का प्रॉब्लम हो, वो भी रह सकता है। तो बिल्कुल वहीं पे हम ये कह सकते हैं कि जब भी कोई भी वैक्सीनेशन लेता है तो उसे डरने की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको बचाएगी। तो वही नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, हेलो जी मैम, जी जी बोलिए। ठीक है, क्या आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। कितनी उम्र है पेशेंट की? 65। और कितने दिन से है वो कोविड पॉजिटिव? ठीक है, देखिए जो इनको फीवर आ रहा है 101, ये कब से आ रहा है? कल से? देखिए 102 जो है ये हाई ग्रेड फीवर है, ऐसे पेशेंट्स के लिए आप डोलो 650 का इस्तेमाल करें, और मैक्सिमम आप इसको 8-8 घंटे बाद दे सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हाई ग्रेड फीवर में इस टाइम लोग क्या करते हैं कि चिल्ड वाटर लेते हैं देन उससे स्पॉन्जिंग करते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है। आप नॉर्मल जो टैप वाटर ले सकते हैं, नलके का पानी लेना है और फिर आपको उसकी पट्टी करनी है, ना कि बर्फ़ का पानी लेके आपको उसकी पट्टी करनी है। और बाकी अगर जी बहुत अच्छा, और अगर आपके पेशेंट्स को अब हाई ग्रेड फीवर में 4-5 डेज से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब आप नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़िए, हमें कुछ आपके ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे जिसमें हम कोरोना के मार्कर्स को देखेंगे, और पेशेंट को हम सिम्टोमेटिकली असेस करेंगे, एंड देन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसका चेस्ट एक्सरे और सीटी स्कैन करा के आपको नेक्स्ट एडवाइस दे सकते हैं कि अब आपको क्या करना चाहिए। देखिए आप कहाँ रहते हैं? आप पंचतीर्थी में, तो आप गांधीनगर हॉस्पिटल जा सकते हैं या सीडी हॉस्पिटल जा सकते हैं।
जी तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये भी बात कही, जब भी पहले बुखार होता था तो देखा गया है जब बुखार एक दो दिन के लिए रहता था तो मोस्टली क्या करते थे कि चिल्ड वाटर लेके उसमें जो कॉटन का कपड़ा लेकर उसके ऊपर रखा जाता ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो उतर सके। क्या इस तरीके से ही अभी भी ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं, ऐसा देखिए ये जो आइस कोल्ड वाटर था ये कॉन्सेप्ट बहुत अब पुराना हो चुका है, हो गया और स्टडीज में ये इसको सही नहीं माना गया है। तो हम बार बार कहते हैं टेपिड स्पॉन्जिंग दैट ओनली मींस कि आपको टैप वाटर लेना एंड देन कपड़ा उसमें डिप करके वेट करके यू हैव टू स्क्वीज इट और फिर आप स्पॉन्जिंग करें। जी तो मैं कह सकते हैं कि ये इफेक्टिव रहेगी एज कम्पेयर टू जैसे चिल्ड वाटर पहले हम इस्तेमाल करते थे उसमें हम वो लेकर करते थे, लेकिन अब समय के साथ जैसे वायरस ने भी अपना रुख बदल लिया है तो लोगों को भी मेथड अपना बदलना पड़ेगा। तो मैम नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। बताइए, बोलिए बोलिए, हम आपको सुन सकते हैं सर, आप बात कीजिए। हेलो Hello? जी सर, सवाल बोलिए सर अपना। आई गेस आवाज पूरी नहीं आ रही है। तो वही जहाँ हम बात कर रहे थे डाइट को लेकर, वही एक इम्पोर्टेंट सवाल जो सब जनता के आवाज में, जो दर्शक हमें देख रहे हैं, कि गवर्नमेंट ने ये तो कहा है कि आप पीपी किट्स जो है वो डोर टू डोर डोर स्टेप पे सबको मिलेगी, लेकिन उसमें सब सवाल ये उठा रहे कि आखिरकार उसमें पीपी किट जो है वो क्यों नहीं इन्वॉल्व की गई। देखिए, जो कोरोना की किट गवर्नमेंट ने बनाई है वो बहुत ही हमारे एक्सपर्ट्स ने उसको डिज़ाइन किया हुआ है, जिसमें हमने मेडिसिंस रखी हैं, देन पैम्फलेट रखा है, इंफॉर्मेशन पैम्फलेट, ऑक्सीमीटर रखा हुआ है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे कॉलेज के क्वेश्चन आए हैं जिन्होंने कहा है कि अच्छा हम तो अटेंडेंट हैं, हम कैसे उसके टच में जाएँ, हमें इन्फेक्शन होगी तो हमारा क्या? पेशेंट्स के लिए तो आपने दवाई दे दी लेकिन अटेंडेंट का क्या? तो उसमें देखिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम अगर पेशेंट को ग्लव्स देते हैं या पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट वो किट देते हैं तो लोग ठीक होने के बाद शायद अपने गेट के बाहर ही उस किट को फेंक देंगे और इन्फेक्शन जो है इसका मतलब उनके घर से तो निकल गई लेकिन जो रैग पिकर्स हैं वो अगर उस किट को उठा लेते हैं तो इन्फेक्शन उन तक चले जाती है। इसमें पहली प्रॉब्लम तो ये आई, देखिए जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हम तोड़ना चाहते हैं वो टूटी ही नहीं, बीमारी एक घर से ख़त्म होकर दूसरे घर चले गई। नंबर सेकंड, ये जो हमारा बायोमेडिकल वेस्ट है, हमारे ग्लव्स हैं या ये जो किट्स हैं इनका प्रॉपर डिस्पोजल होना बहुत ज़रूरी है। तो घर घर वो देखिए, हम लोग जैसे वेस्ट है किचन वेस्ट उसको तो ठीक है म्यूनसिपैलिटी वैसे ही कहीं डंप कर देती है तो वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी रिस्की नहीं है, लेकिन ये इन्फेक्शियस किट्स को यूं ही आजू बाजू में फेंक देना दैट इज़ टोटली रिस्की। तो पब्लिक तो उसको डिस्पोज करेगी नहीं तरीके से, तो इसलिए हम ये एक रिस्क फैक्टर मांग के हमने पहले ही इसको ख़त्म कर लिया है। और मेरी ये रिक्वेस्ट है पब्लिक से कि लोग घरों में भी ग्लव्स पहनते हैं, जब मार्केट जाते हैं या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की केयर के लिए वो घरों में ही ग्लव्स पहनते हैं बिकॉज इजीली अवेलेबल है। लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ उसको डिस्पोज तरीके से करें, उसको पहले आधा घंटे के लिए किसी डिसइंफेक्टेड में रखें जो घर पे आप कर सकते हैं, फिर उनको डिस्पोज करें। जी मैम, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो जी जी बोलिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बात कीजिए। मेरा भी एक क्वेश्चन है, वो मुझसे लिए बात कर रही हूँ। जी जी बताइए। अच्छा है कि जैसे हम ये कोविशील्ड जो इंजेक्शन, हेलो जी जी हम सुन सकते हैं, आप बताइए, कंटिन्यू करिए अपनी बात। धन्यवाद मैडम। जो हम कोविशील्ड का जो वैक्सीन करते हैं जी जी फर्स्ट डोज जी, क्योंकि अभी मैंने टीवी ऑन किया, शायद ये क्वेश्चन उठा होगा, मुझे नहीं पता, मैंने अभी ये ऑन किया जी जी। तो मुझे बताइए मैडम, इसका दूसरा डोज हमें कब करना है? देखिए, जो कोविशील्ड का जो दूसरा डोज है सर, वो 6 से 8 हफ्ते के गैप के बाद लगा सकते हैं आप। जी जी, 1.5 से 2 महीने के गैप पे आप लगा सकते हैं। अगर आप 1.5 महीने से पहले, 6 हफ्तों से पहले जाते भी हैं तो वो आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर जो सिस्टम है आपका, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपको। तो इसमें आपने 1.5 से 2 महीने का गैप लेना ही लेना है। तो बिल्कुल अभी तक भी बहुत से लोग हैं जिन्हें अभी एग्जैक्टली पता नहीं है। मैम नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। मैं आपने सवाल, हेलो जी जी बोलिए। मेरे ये कितने पेशेंट हो जी?
तो मैं वैक्सीन लगा सकता हूँ? हाँ जी सर, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप अपनी एज बताएं। एज बताइए अपनी सर जी। बोलिए अपनी एज बताएं हमें। 52 है ये सर। आपको अपने नियरेस्ट सेंटर पे जाके कोविशील्ड वैक्सीन लगानी है। खुद को रजिस्टर कराएं। आप जहाँ भी रहते हैं अपने पास वाली डिस्पेंसरी में जाके खुद को रजिस्टर कराएं और वैक्सीन लगवाइए जल्दी से जल्दी। आपको लगवानी चाहिए। जी 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 है। जी जी ये जो जो ये मेरे बच्चे हैं जी, हमने सुना है कि इनको वैक्सीन नहीं लगानी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 18 साल से जो भी बच्चे हैं आपके, चाहे वो गर्ल है या बॉय है, उनको वैक्सीन लगानी चाहिए और लग रही है वैक्सीन। जी जी ये सवाल देखिए बहुत सारे लोग लगातार पूछ रहे हैं कि 18 साल से ऊपर हमारे बच्चे जो है वो लगा सकते हैं नहीं लगा सकते। देखिए मैम, इससे पहले जब ये लेयर आई तब इस लहर में कहा गया बच्चों और बुजुर्गों को संभाल के रखिए। जब फर्स्ट लेयर की हम बात करते हैं, इस समय ऐसा हो सका चुका है कि हम ये नहीं कह सकते कि बच्चों को कोरोना नहीं हो सकता, बुजुर्गों को नहीं हो सकता। अब कोई उम्र या एज देखकर ये कोरोना किसी को फैल नहीं रहा है। अब छोटा बच्चा, चाहे 2 महीने का बच्चा है या कोई बुजुर्ग है 70 साल के हैं, उनको भी ये कोरोना हो रहा है। तो कितना जरूरी है, जितने तमाम दर्शक इस समय हमें देख रहे हैं उन्हें ये बताना कि 18 साल की उम्र की जो ये ड्राइव शुरू की गई है ये इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए। देखिए बहुत बार हम इस बात को कह चुके हैं, जो कोरोना की सेकेंड वेव आई है इसका इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें एज ग्रुप की तो इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास मैक्सिमम यंग पेशेंट्स हैं और बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। ऑल्दो मेजॉरिटी यंगस्टर्स की है, जैसे 30, 40, 50 में। और मोर्टालिटी रेट भी अगर आप देखें तो डेथ्स बहुत हुई हैं इस एज ग्रुप में। सो जो वैक्सीन ड्राइव स्टार्ट की गई है 18+ के लिए, वो बहुत 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 हेल्पफुल है इस एज ग्रुप के लिए। क्योंकि थर्ड वेव कब आएगी एंड वो किस एज ग्रुप को इन्वॉल्व करती है ये तो पहले ही हमें पता है कि बच्चों के लिए ये बहुत घातक मानी जा रही है। सो इसलिए आने वाले खतरे से खुद को बचाइए एंड 18 अबव के लिए प्लीज सर वैक्सीनेशन कराइए अपनी। जी बिल्कुल वही दूसरों की अफवाह, क्योंकि ऐसा है मैम इस समय अफवाहें जो है बड़ी तेजी से आगे फैलती हुई नजर आ रही है, तो बहुत जरूरी है वैक्सीनेशन का करना। चलिए नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो जी सर बोलिए। क्या पूछ रहे हैं सर आप? मैं पूछ रहा हूँ कि अगर जो कोविड पेशेंट होगा उसको फीवर वीवर नहीं होगा, अगर वो उसका मन नहाने को चाहेगा तो वो नहा सकता है? मतलब आप कह रहे हैं कि अपने आप को हाइजीनिक रह सकता है ना? बिल्कुल नहा सकते हैं। अपनी हाइजीन का ख्याल रखना ही पड़ेगा पेशेंट को। तो बिल्कुल सवाल जो है लोगों के लगातार आते हुए नजर आ रहे हैं। और नेक्स्ट कॉल भी ले लेते हैं मैम। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। जी जी सर बताइए, गुड मॉर्निंग। हेलो सर, आप अपने टीवी का जो वॉल्यूम है वो कम कीजिए, हम सुन पा रहे हैं। आप सवाल बताइए सर अपना। हाँ श्योर सर जी। मैम नहीं, मुझे ये पूछना है कि जो आम बोल रहे हैं कि एट एज ऑफ 18 एज में आप वैक्सीनेशन कर दीजिए बच्चों को जी, तो इज इट फीजिबल फॉर द सर? अपना सवाल रिपीट। डिजनरेशन की प्रॉब्लम मत नहीं होगी इन फ्यूचर में? डिजनरेशन की प्रॉब्लम मत आ जाए स्पेशली लेडीज? मतलब आप कह रहे हैं कि 18+ की जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, क्या वो वुमेन आपकी जो बेटी है उन्हें आपने वैक्सीनेशन करवाना है सर? हाँ जी हाँ। तो उसके लिए कोई दिक्कत तो नहीं होगी? नहीं नहीं सर, ऐसा है कि जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं वैक्सीन उनके लिए रिकमेंड की गई है और लेडीज को हम नहीं लगाएंगे अगर वो प्रेग्नेंट है या लैक्टेशन स्टेज पे है। बट जो अनमैरिड बच्चे हैं, गर्ल्स हैं अबव 18 हैं, उनके लिए ऐसी कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो आपको लगवानी चाहिए। सिर्फ दो ही कंडीशंस हैं, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन, जहाँ पे आप फीमेल को वैक्सीनेट नहीं कराएंगे। ठीक है सर? तो बिल्कुल जहाँ पे अभी भी कुछ लोग यही इस समय की सिचुएशन ये बताती है कि रूमर्स पे बिलीव नहीं करना है, रियलिटी पे फेथ करना है, क्योंकि वैक्सीनेशन ही इस समय हम कह सकते हैं एक ऐसा वेपन है हमारे पास जो हमें इस लड़ने से, कोरोना से लड़ने में कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। उसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं मैम। और वही नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। हेलो जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो मेरी वाइफ थी वो
कोविड पॉजिटिव आई थी अभी कोई 10-12 दिन हो गए हैं, तो उनका भी नेगेटिव आया था रिपोर्ट। ठीक है, तो उसके बाद में मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका रैपिड टेस्ट करवाया था अभी नेगेटिव रिपोर्ट आई, तो उनका नहीं सर बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। आप अगर आपका जो आइसोलेशन पीरियड है वो पूरा अनइवेंटफुल रहा है या आपने कोई मेडिसिन ली भी हैं और उसके बाद आपको पिछले तीन दिन में कोई बुखार नहीं आया, तो आप आइसोलेशन से बिना किसी टेस्ट के बाहर आ सकते हैं। और आपने क्योंकि रैपिड एक बार करा लिया है आइसोलेशन पूरा करने के बाद, वो भी नेगेटिव है, तो आरटीपीसीआर करवाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आप कोई भी सुबह उनको एंटासिड दे सकते हैं, पेंटॉप, अगर मन भी खराब हो रहा है, थोड़ा उल्टी का आपको लग रहा है, तो आप उनको पेंटॉप DSR का कॉम्बिनेशन दीजिए और धीरे 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 आप रिकवर करेंगे। थोड़ा डाइट पे, हाइड्रेशन पे ध्यान रखिए। जी मैम, देखिए आप जो भी नॉर्मल आपके घर में, जी देखिए मैंने पहले भी कहा कि आपको रिकवरी में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपकी जो मिसेस की जो भूख है वो कम हुई है, वो एकदम से नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। आप उनको घर का सिंपल बना खाना जो भी आप खाते हैं, बस थोड़ा ऑयल कम रखिए, स्पाइसेस कम रखिए, और एक बैलेंस्ड मील है उसमें चपाती है, राइस है, दाल है, सब्जी है, सैलेड है, वो सब दीजिए उनको। जी एक्चुअली मैम उसके डॉक्टर को दिखाया था अभी, उन्होंने वो दवाई वगैरह ली थी, तो थोड़ा पहले तीन जब खाना खाते हैं तो उसके बाद उनको गैस बनना ज्यादा आ जाती है। देखिए अगर खाना खाने के बाद अगर उनको कुछ गैस बन रही है या एसिड बर्न हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है, तो आप उनको डाइजीन के 2 चम्मच दे सकते हैं सून आफ्टर शी फिनिश। क्या क्या देना चाहिए? 2 चम्मच एक लिक्विड दवाई आती है डाइजीन या डाइगोल, वो पिला सकते हैं। और थोड़ा देखिए जैसे उन्होंने खाना खाया था एकदम से, अगर वो लेट जाते हैं तो फिर उनको वो हार्ट बर्न की प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है, इसलिए थोड़े छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए कि स्पाइसी फूड ना खाएं। खाना खाते हैं तो उसके बाद एकदम से लेटना नहीं है, रेस्ट नहीं करनी है, थोड़ी देर आधा घंटा बैठ के टीवी देखें, न्यूज़पेपर पढ़ें, ठीक है, और वो डाइजीन पी लीजिए 2 चम्मच। जी थैंक यू। तो बिल्कुल आपने देखा कि किस तरीके से सवाल जो है लोगों में कहीं ना कहीं असमंजस जो है वो पैदा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो चाहते हैं इस समय उन्हें प्रॉपरली गाइड किया जा सके, या हम कह सकते हैं जहाँ पे लोग जो है रश करते हुए नजर आ रहे हैं, या कई लोग ऐसे भी हैं जो अपना इलाज खुद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या कुछ एक मैसेज मैम आप देना चाहेंगी तमाम दर्शकों? देखिए इस बार जो हम देख रहे हैं सेकेंड वेव ऑफ कोरोना में, लोगों ने एक सेल्फ मेडिकेशन का एक ट्रेंड सा बना लिया है जो बहुत गलत है। एंड देखिए अगर आप एंटीबायोटिक ले रहे हैं, ठीक है, एंटी एलर्जिक ले रहे हैं, वो भी कुछ हद तक ठीक है, जस्टिफाइड है, लेकिन लोगों ने अपनी मर्जी से स्टेरॉइड्स लेना स्टार्ट कर दिया है, वो बहुत गलत चीज़ है। स्टेरॉइड्स देखिए, हम जो स्टेरॉइड्स का प्लस पॉइंट लेके चलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, वो है एंटी इन्फ्लामेटरी, लेकिन उसके अलावा उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो शायद पब्लिक को पता नहीं है। तो उन्होंने बहुत ये एक फ्रिक्वेंट यूज़ इसका स्टार्ट कर दिया है कोरोना में स्टेरॉइड्स को लेके, जो बहुत गलत है। सो मेरी पब्लिक से यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक हैं या माइल्ड सिम्टोमेटिक हैं, तो उनको हाई डोज स्टेरॉइड्स मत दीजिए प्लीज़। ये स्टेरॉइड्स का जो चलन आप लोगों ने स्टार्ट किया है ये बहुत गलत है, और इसको यहीं पे रोकिए। अगर आपको अपने पेशेंट के लिए कोई कंसल्टेशन चाहिए तो हम यहीं बैठे हैं, हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हिस्ट्री एक्सप्लोर करेंगे, आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे, बट स्टेरॉइड्स की सेल्फ मेडिकेशन बंद कीजिए। तो बिल्कुल जिस तरीके से मैम ने भी कहा कि आपने खुद ही अपना डॉक्टर नहीं बनना है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिए कि अफवाहों पे जो ध्यान है वो कम दीजिए, और ये ख्याल रखिए कि इस समय अगर आप कोरोना पॉजिटिव हैं या अगर आप नहीं भी हैं, एहतियात बराबर के बरतने हैं, क्योंकि अगर एक व्यक्ति डिले करता है या एक व्यक्ति की लापरवाही होती है तो उसकी वजह से जो ये चेन है वो टूट नहीं पाएगी। लेकिन इस समय सबको यही ख्याल रखना है कि इस कोरोना महामारी की जो चेन है उसे तोड़ना है। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद जिस तरीके से आपने तमाम कॉलर्स को जवाब भी दिए। तो अब मैम और मुझे भी दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात करेंगे, जो भी आपके सवाल होंगे आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग खुश रहिए, और इस समय इस कोरोना से जो है पैनिक नहीं क्रिएट करना है, इलाज करवाना है, और ये ख्याल रखना है कि संक्रमण की जो चेन दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है इसे तोड़ना है। आप इसी के साथ मुझे और मैम को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।